हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो चैप्टर 6 है अपना क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। और 6 चैप्टर जो है वो अपना मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल पे है। उसमें दो टाइप्स के सिस्टम हम पढ़ते हैं, एक तो स्फेरिकल पोलर सिस्टम और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड जो भी पोटेंशियल अपने रहेंगे, सेंट्रल पोटेंशियल हम बोलें या फिर हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो हाइड्रोजन एटम्स प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनमें भी अपने एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी कि एंगुलर मोमेंटम कोई सा एल स्क्वायर, एल जेड या फिर एल एक्स स्क्वायर, इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी फॉर द हाइड्रोजन एटम के लिए, जो भी वेव फंक्शन हमें गिवन होगा उसके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2011 में पूछा गया था, द एनर्जी लेवल ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम दैट इज इन द कूलम पोटेंशियल वी आर प्रपोर्सनल है किसके, -1/r के, एंड इज गिवन बाई, जो एनर्जी लेवल है वो कैसे गिवन है, ई एन एल एम प्रोपोर्शनल है -1/n² के, जहाँ पे n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड द कोरेस्पोंडिंग वेव फंक्शन आर गिवन बाई साई एन एल एम, वेयर एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, देयर आर एग्जैक्टली 2L+1 डिफरेंट वेव फंक्शन फॉर ईच ई एन एल एम, हर एक ई एन एल एम के लिए कितने डिफरेंट वेव फंक्शन होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। और एक ऑप्शन आपका क्या है कि ई एन एल एम डज नॉट डिपेंड ऑन एल एंड एम फॉर द कूलम पोटेंशियल, तो ये एक ऑप्शन हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो अगर हम ईच ई एन एल एम वैल्यू के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फंक्शन की बात करें तो वो कितने पॉसिबल हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ई एन एल एम यहाँ पे क्या गिवन है कि वो प्रोपोर्शनल है -1/n² के, जहाँ पे पोटेंशियल अपना क्या है, कूलम पोटेंशियल है, वी ऑफ आर की टर्म्स में है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे क्या गिवन है, हाइड्रोजन एटम गिवन है कि 1 इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस के लिए साई एन एल एम हमारा वेव फंक्शन गिवन है हमें। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें, एन इज इक्वल टू अगर 1 कंसीडर हम करते हैं, तो ई वन जो एनर्जी आएगी जो प्रोपोर्शनल होगी किसके, -1/n = 1 हम रखेंगे, तो मतलब कॉन्स्टेंट एक एनर्जी हमारी आएगी, एक कॉन्स्टेंट एनर्जी हमें मिल रही है ई वन, वो किसके इक्वल आती है, -13.6 के इक्वल आती है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एक कॉन्स्टेंट एनर्जी हमें मिलेगी, उसके कोरस्पोंड वेव फंक्शन जो है साई एन एल एम वो कौन कौन से पॉसिबल हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए l की क्या वैल्यू होगी, 0, और m की भी क्या वैल्यू होगी, 0। तो साई एन एल एम अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, साई 100, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100। ठीक है, और अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो एक कॉन्स्टेंट एनर्जी हमें मिलेगी E2, और उसके लिए जो वेव फंक्शन, पॉसिबल वेव फंक्शन होंगे वो कौन से होंगे, n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है और l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, m की वैल्यू क्या होगी इसके कोरस्पोंड +-1 एंड 0, और इसके कोरस्पोंड m की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से जो वेव फंक्शन हमें मिलेंगे साई एन एल एम, वो 4 डिफरेंट वेव फंक्शन हमें मिलेंगे, कौन कौन से, साई 200, साई 210, साई 211 और साई 21-1। ये 4 डिफरेंट वेव फंक्शन हमें मिल रहे हैं। तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि एग्जैक्टली 2L+1 डिफरेंट वेव फंक्शन फॉर ईच ई एन एल एम। तो अगर हम ई एन एल एम एक कंसिडर कर रहे हैं एन इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या है, 0। तो साई एन एल एम हम कितना मिल रहा है, 2L+1 अगर फॉर्मूला हम लगाएं तो वो तो पॉसिबल है, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे, एक वेव फंक्शन आएगा और एक ही हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो L की वैल्यू क्या आएंगी, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू 0। तो 2L+1 L की वैल्यू अगर 1 हम लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आएगी।
तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, 2L प्लस 1 डिफरेंट वेव फंक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर आप फाइंड आउट करो कि हर एक ई एनर्जी के लिए, ई एन एल एम एनर्जी के लिए जो पॉसिबल वेव फंक्शन है वो कितने हैं, समेशन L इंटू 2L प्लस 1, इतने वेव फंक्शन टोटल पॉसिबल हैं। अगर L को हम जीरो लेंगे तो अपना क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस समेशन है तो प्लस आएगा, L इज इक्वल टू 1 हम लेते हैं तो पॉसिबल वेव फंक्शन कितने आएंगे, 3, तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, 4। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो अपनी इनकरेक्ट होगी। सेकंड में क्या है, देयर आर L इंटू L प्लस 1 डिफरेंट वेव फंक्शन फॉर ईच ई एन एल एम। तो अगर ई एन एल एम n इज इक्वल टू 1 की हम बात करते हैं तो एनर्जी अपनी 1 है, मतलब एनर्जी जो है वो कोई कॉन्स्टेंट है ई एन इज इक्वल टू 1 के लिए, और वेव फंक्शन हमें 1 ही मिल रहा है, और L की वैल्यू क्या है n इज इक्वल टू 1 के लिए, 0 है। तो उस केस में यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा कि कोई डिफरेंट वेव फंक्शन नहीं मिल रहा, हमें कोई वेव फंक्शन ही नहीं मिल रहा फॉर ईच ई एन एल एम के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी क्या होगी, इनकरेक्ट। आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉर ईच ई एन एल एम देयर आर डिफरेंट जो वेव फंक्शन हैं वो कितने हैं, समेशन L 2L प्लस 1। तो ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, बी भी इनकरेक्ट हो गया, और डी भी इनकरेक्ट हो गया। जो सी ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन L एंड M फॉर द कूलम पोटेंशियल। तो इसमें भी आपको सिर्फ ये N पे ही डिपेंडेंट गिवन है, L और M पे नहीं गिवन है। और वैसे भी जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी जून 2011 में ही आया था। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोटोन इज मोर देन 1 बोहर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, साई स्टार साई डी टाउ। और जिस भी लिमिट्स के इनसाइड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो लिमिट्स हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको साई का पता होना चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन एटम का, उसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 1/√π a₀³ इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। तो ये वेव फंक्शन आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। एक सेम क्वेश्चन अपना था, लगभग सेम क्वेश्चन हम बोलेंगे, जो जून 2014 में आया था। इसमें क्या पूछा था, सेम स्टेटमेंट गिवन थी, प्रोबेबिलिटी विद इन द बोहर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे पूछा है कि बोहर रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ये कह रहा है कि विद इन द बोहर रेडियस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक तो इनसाइड निकालनी है, बोहर रेडियस जो है अपनी वो n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंड होती है, जो r1 होती है उसको हम a नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो a नोट के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और एक आउटसाइड में हमें निकालनी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो विद इन द बोहर रेडियस होगा या फिर आउटसाइड द बोहर रेडियस होगा, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होएगी अगर इन दोनों का सम हम करें तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो p आउटसाइड हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस p इनसाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम p इनसाइड निकालते हैं कि विद इन द बोहर रेडियस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लिमिट अपनी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी के लिए, 0 टू a नॉट हो जाएगी। विद इन द बोहर रेडियस के लिए लिमिट क्या होगी, 0 टू a नॉट। यहाँ पे d tau की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का केस है अपना, तो हाइड्रोजन एटम के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो साई स्टार साई डी टाउ की जगह पे हम रखेंगे आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो जो आर है वो तो अपनी लिमिट होगी 0 टू ए नोट, और साइन थीटा, थीटा की लिमिट जो होगी वो क्या होगी, 0 टू पाई, और फाई की लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 टू 2 पाई। तो साई की वैल्यू हम रखेंगे प्रोबेबिलिटी में, साई हमें गिवन है, और साई क्या है, रियल वेव फंक्शन है, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट भी क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी। और ये जो इंटीग्रल्स हैं हमारे, साई जो है वो सिर्फ आर पे डिपेंड है, तो बाकी जो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई वाला जो इंटीग्रल है वो हमें क्या वैल्यू देगा, 4 पाई। और साई स्टार साई से जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट अपना बाहर आएगा वो क्या आएगा, पाई ए नोट क्यूब, ठीक है।
जीरो टू ए नोट इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस टू आर अपॉन ए नोट इंटू आर स्क्वायर डी आर। तो ये इंटीग्रल अभी हमें सोल्व करना है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फोर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फोर अपॉन ए नोट क्यूब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस टू आर अपॉन ए नोट डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस टू अपॉन ए नोट, और लिमिट हम रखेंगे जीरो टू ए नोट, माइनस साइन आएगा, फर्स्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो टू आर ई रेज टू पावर माइनस टू आर अपॉन ए नोट एंड माइनस टू अपॉन ए नोट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और टू से ये कैंसिल हो जाएगा टू, और इसका क्या है इंटीग्रेशन है, लिमिट क्या है जीरो टू ए नोट डी आर। ठीक है, तो अभी ये लिमिट हम पुट करते हैं, तो फोर अपॉन ए नोट क्यूब और लिमिट हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए नोट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस टू, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ए नोट क्यूब डिवाइडेड बाई टू विद नेगेटिव साइन। ठीक है, माइनस जीरो अगर हम रखते हैं तो आर, आर की जगह पे जीरो रखेंगे तो पूरी टर्म अपनी क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। प्लस अब फर्स्ट फंक्शन हम ये मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन ये मान लेते हैं, वन अपॉन ए नोट जो है वो इधर आएगा बाहर, तो क्या आएगा ए नोट सिर्फ बाहर आएगा, और इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे, ऐसे हमने लिख दिया इस इंटीग्रल को, अभी हम सोल्व कर रहे हैं। तो आर जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़, सेकेंड का क्या होगा इंटीग्रेशन टू आर अपॉन ए नोट डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस टू अपॉन ए नोट, लिमिट हम पुट करेंगे ज़ीरो टू ए नोट, माइनस साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू वन, ए नोट अपना है ही कॉन्स्टेंट जो है बाहर, ई रेज टू पावर सेकेंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन अपना एक बार तो हो चुका, दूसरी बार हम करेंगे तो माइनस टू अपॉन ए नोट इसका क्या होगा स्क्वायर, और लिमिट हम पुट करेंगे ज़ीरो टू ए नोट, तो वैल्यू क्या आ रही है फोर अपॉन ए नोट क्यूब माइनस ए नोट क्यूब डिवाइडेड बाई टू ई रेज टू पावर माइनस टू प्लस ए नोट वैल्यू हमने रखी, ए नोट एक ये वाला है, एक आर की जगह पे ए नोट हम रखेंगे तो क्या मिलेगा ए नोट क्यूब डिवाइडेड बाई टू विद नेगेटिव साइन ही है, और ई की जगह पे ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा माइनस टू, आर की जगह पे ए नोट रखेंगे तो, और अगर जीरो रखते हैं तो आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। अब यहाँ पे माइनस साइन अपना है ही, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ए नोट क्यूब इसका स्क्वायर होगा तो प्लस वैल्यू हमें मिलेगी, तो ए नोट स्क्वायर फोर अपॉन ए नोट स्क्वायर ऐसे हम लिख लेंगे, तो ए नोट क्यूब डिवाइडेड बाई फोर माइनस साइन जो है ही, ए नोट रखेंगे आर की जगह पे तो ई रेज टू पावर माइनस टू। ठीक है, अब आर की जगह पे लोअर लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो माइनस एक तो लोअर लिमिट का साइन होगा और एक माइनस ये है तो प्लस साइन आएगा, और ए नोट स्क्वायर ए नोट क्यूब ये वाला कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई फोर ई रेज टू पावर जीरो क्या होगा वन, तो ये वैल्यू अपनी आ गई। तो ए नोट क्यूब हम सब में से बाहर लेंगे, फोर अपॉन ए नोट क्यूब है ही, ए नोट क्यूब हमने बाहर लिया तो इससे ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पे क्या बचता है माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, ई रेज टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू ही होगा, तो टू आएगा टू से टू कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा ये प्लस माइनस साइन है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या है फोर, तो इसको हम सोल्व करेंगे प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ वन बाई फोर, तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या वैल्यू हमें मिलेगी माइनस फाइव ई रेज टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर, और फोर हम कॉमन ले लेंगे तो फोर से फोर भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या बच रही है वन माइनस फाइव ई रेज टू पावर माइनस टू, तो ई की वैल्यू रख के हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट अपना क्या आएगा 0.32, और पी इनसाइड हमने निकाला है, पी आउटसाइड क्या आ जाएगा वन माइनस 0.32, तो कितना आएगा 0.68। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विद इन बोर रेडियस पूछी है तो वो कितनी आएगी अप्रोक्स 0.32 आएगी।
तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका गिवन होगा 0.32 वाला वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2011 में आया था। गिवन दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम, और पॉजिट्रोनियम क्या है, बाउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। अगर नहीं भी गिवन हो तो भी हमें पता है पॉजिट्रोनियम अगर दिया हुआ है तो उसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, सिर्फ चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं E+ से। मास सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, आपको पता ही होगा इतनी बातें। यहाँ पे क्या गिवन है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है वो हमें गिवन है क्या है, -13.6। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है ना अपनी सेंट्रल पोटेंशियल के लिए, वो प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस्ड मास के। और हाइड्रोजन एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हम लेते हैं तो रिड्यूस्ड मास अपना क्या आता है, ME(MP) डिवाइडेड बाई ME+MP। तो ये जो मास है ना वो अपना अप्रोक्सीमेटली ME आता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू हम रखेंगे पॉजिट्रॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ME(ME), मास दोनों का सेम रहता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ME+ME, तो क्या आएगा, ME² डिवाइडेड बाई 2ME, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिड्यूस्ड मास अपना आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब ME/2 आ रहा है। और यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हमने निकाला तो एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, और वो प्रोपोर्शनल किसके है, ME के। तो ME अगर हम रख रहे हैं, ME की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर पॉजिट्रोनियम की हमें पूछी गई है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ME की जगह पे हम क्या रखेंगे, ME/2। तो जो एनर्जी होगी पॉजिट्रोनियम के लिए वो क्या हो जाएगी, -13.6/2 हो जाएगी। यहाँ पे जो एनर्जी है उसमें क्या टर्म है, ME प्रेजेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर हम रिड्यूस्ड मास की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो पॉजिट्रोनियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हाफ हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो कितनी आएगी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा होता है कि गिवन है आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, लेकिन हमें क्या बतानी है, बाइंडिंग एनर्जी बतानी है पॉजिट्रोनियम के लिए। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, +16.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2012 में आया था। लेट साई एंड एल एम डिनोट द आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टनियन फॉर ए स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल VR। द वेव फंक्शन हमें गिवन है इज एन आइगन फंक्शन ऑफ, कि ये जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो इनमें से किसका आइगन फंक्शन है। यहाँ पे क्या गिवन है कि साई एन एल एम जो भी है ना, जैसे ये वाली टर्म है Psi210, वो क्या है, आइगन स्टेट है हैमिल्टनियन की, कि अगर हैमिल्टनियन हम इस स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी और साई सेम मिलेगा, ठीक है। तो अगर हैमिल्टनियन के लिए ये साई एन एल एम वेव फंक्शन है तो जो L² और LZ हैं उनके लिए भी साई एन एल एम क्या होगा, वेव फंक्शन होगा, क्योंकि H हैमिल्टनियन L² और LZ हैज साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, सेम आइगन फंक्शन वो रखते हैं, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन वो रखते हैं। तो L² और LZ के लिए भी साई एन एल एम जो है वो वेव फंक्शन है। यहाँ पे पूछा है ये साई किसके लिए वेव फंक्शन है, हैमिल्टनियन के लिए है, L² के लिए है या LZ के लिए है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, जो एंगुलर मोमेंटम की सेकेंड वीडियो थी उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था। और सेकेंड वीडियो का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11th। तो उसमें हमने देखा था कि हैमिल्टनियन का साई वेव फंक्शन कब होगा, ये जो इक्वेशन है हैमिल्टनियन के लिए कब सेटिस्फाई होगी, जब साई में जितने भी जो बेसिस वेक्टर्स हैं, जो बेसिस आइगन स्टेट हैं,
साई एन एल एम जितनी भी हैं उनके लिए सबके लिए अगर एन वैल्यू सेम होती है, एन वैल्यू अगर सेम होती है तो हम क्या बोलेंगे कि साई हैमिल्टनियन की आइगन स्टेट है। तो एन वैल्यू को अगर आप चेक करो तो इसमें भी टू है, इसमें भी टू है और इसमें भी क्या है, टू है। तो हैमिल्टनियन की ये आइगन स्टेट है। अब एल स्क्वेयर साई और आइगन वैल्यू क्या होती है, एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर साई। तो ये साई जो है वो एल स्क्वायर की आइगन स्टेट कब होगी, जब जो एल वैल्यू है वो सबके लिए क्या हो, सेम हो। जितने भी साई एन एल एम हैं उनके लिए एल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होती है, सेम होनी चाहिए। तो एल वैल्यूज को अगर आप चेक करो तो एल वैल्यूज भी सेम है। तो एल वैल्यू अगर सेम है तो साई क्या है, एल स्क्वायर का वेव फंक्शन है। अगर अब हमें चेक करना है कि एल जेड का, तो एल जेड अगर हम साई पे ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एम एच क्रॉस साई। तो अगर एम वैल्यू हमारी सेम होती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि साई जो है वो एल जेड का वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे एम वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे ज़ीरो दिख रही है, यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे थ्री, तो एम वैल्यू सेम नहीं है। तो जो साई जो हमें गिवन है वो एल जेड का वेव फंक्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैमिल्टनियन का है और एल स्क्वायर का है, एल जेड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वेव फंक्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय साई, वेयर साई एन एल एम डिनोट्स द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ द स्टेट विद क्वांटम नंबर एन एल एंड एम इन द यूजुअल नोटेशन, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल जेड इन द स्टेट साई इज। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल जेड हमें फाइंड आउट करना है साई स्टेट के लिए। तो हम कैसे लिखते हैं, साई एल जेड साई डिवाइडेड बाई ब्रा साई इंटू में कैट साई। और एक फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं कि समेशन आई पी आई, जो पी आई है वो हमें क्या बताता है, कोफिशियंट का मोड स्क्वायर इंटू ई आई, और ई आई जो है वो हमें क्या बताता है, आइगन वैल्यू डिवाइडेड बाई समेशन आई पी आई। तो आइगन वैल्यू की अगर हम बात करें तो एल जेड को अगर हम किसी भी साई एन एल एम स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू अपनी क्या आती है, एम एच क्रॉस और साई एन एल एम। ठीक है, तो यहाँ पे एम एच क्रॉस आइगन वैल्यू आएगी। तो साई पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो पी आई कोफिशियंट का मोड स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म के लिए क्या आ जाएगा, एल जेड की एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट के कोफिशियंट का मोड स्क्वायर तो कितना होगा, वन, और m की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो आइगन वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो ज़ीरो आ जाएगा प्लस सेकेंड स्टेट के लिए m की वैल्यू क्या है, वन, तो m h क्रॉस क्या आएगा, h क्रॉस, और कोफिशियंट का स्क्वायर कितना देगा, फोर। प्लस थर्ड टर्म के लिए भी m की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो आ जाएगा। प्लस फोर्थ टर्म के लिए क्या है, m की वैल्यू माइनस वन, तो जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस h क्रॉस, और कोफिशियंट का स्क्वायर क्या आएगा, टू, डिवाइडेड बाई कोफिशियंट के स्क्वायर का सम, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2। तो जो एल जेड एक्सपेक्टेशन है वो क्या आ गया, 4 एच क्रॉस माइनस 2 एच क्रॉस, तो 2 एच क्रॉस डिवाइडेड बाई इनका सम हमें क्या वैल्यू देगा, 16। तो 16 कैंसिल होगा 2 से 8 टाइम्स, तो एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ रही है, एच क्रॉस बाई 8। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट साई एन एल एम डिनोट द आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टनियन विद द पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वी ऑफ आर, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर इन द स्टेट साई। तो स्टेट हमें गिवन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर की। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन प्लस एल वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, एल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। अब इस टर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन के इक्वल। तो ये एक्सपेक्टेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि साई एन एल एम जो है ना वो क्या है, आइगन फंक्शन है हैमिल्टनियन के।
तो अगर हैमिल्टनियन के वो आइगन फंक्शन हैं तो एल स्क्वायर के भी होंगे और एल जेड के भी होंगे, क्योंकि ये तीनों साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन रखते हैं, सेम आइगन फंक्शन रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एल स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एल के लिए हम, क्योंकि एल स्क्वायर को अगर हम साई एन एल एम पे ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एल इंटू एल प्लस वन एच क्रो स्क्वायर और साई एन एल एम हमें मिल जाएगा। एल जेड स्क्वायर को अगर हम साई एन एल एम पे ऑपरेट करेंगे तो एल जेड को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हमें एम एच क्रोस मिलता है, दो बार हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और साई एन एल एम सेम, ठीक है। तो हमें निकालना है एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे एल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एल जेड स्क्वायर एक्सपेक्टेशन। तो ये दो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर का हम फाइंड आउट करें, या फिर आप डायरेक्टली इनका फाइंड आउट कर लो कि एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा कि एल इंटू एल प्लस वन एच क्रो स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, समेशन आई पी आई एनर्जी, जो आइगन वैल्यू होगी वो, तो आइगन वैल्यू उस केस में ये हो जाएगी, अगर एल स्क्वायर का हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आइगन वैल्यू ये हो जाएगी अपनी, ठीक है। कौन से भी तरीके से आप करो लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। तो मेरे हिसाब से तो पहले एल स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करो, फिर एल जेड स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मिस्टेक के चांसेस अपने कम हो जाएंगे। तो एल जेड स्क्वायर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला अपना है ही पी आई ई आई डिवाइडेड बाई समेशन आई पी आई। पी आई हमें क्या बताएगा, कोफिशियंट का मोड स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए अगर आप देखो तो कोफिशियंट का मोड स्क्वायर कितना आएगा, 9/25, और आइगन वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एल की वैल्यू 1 है एल स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म के लिए जो कोफिशियंट का स्क्वायर है वो कितना है, 1/25, और एल की वैल्यू वही है 1 है, तो कितना आएगा, 2h क्रॉस स्क्वायर। प्लस थर्ड टर्म के लिए जो मोड स्क्वायर होगा वो कितनी वैल्यू देगा, 15/25, और एम एल की वैल्यू अपनी सेम है 1, तो 2h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशियंट के मोड स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं तो 9+1 10+15 25 डिवाइडेड बाई 25 क्या वैल्यू आएगी, 1, ठीक है। तो इनको अगर आप ऐड करते हो तो 9 2 18+2+13 इंटू में h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, 25। तो क्या हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल रही है एल स्क्वायर की, 50/25 एच क्रो स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ऑप्शन में आपको 25 की टर्म्स में ही गिवन है तो आप इसी टर्म में रखो। तो अभी हमें फाइंड आउट करनी है एल जेड स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और वो क्या आ जाएगी, 9/25 जो कोफिशियंट है, और आइगन वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कितनी आएगी, 1, एम की वैल्यू हम रखेंगे तो एम स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर हम रखेंगे तो क्या आएगा, एच क्रॉस स्क्वायर। प्लस सेकेंड टर्म के लिए एम की वैल्यू 0 है तो क्या आएगी, 0। प्लस थर्ड टर्म के लिए एम की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो वही एच क्रॉस स्क्वायर ही हमें मिलेगा, तो 15/25, और नीचे वाली टर्म तो अपनी क्या है, 1 है ही, तो 9+15 कितना होगा, 24/25 एच क्रॉस स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आ गया, 50-24/25 इंटू में क्या होगा, एच क्रॉस स्क्वायर। तो क्या वैल्यू हमारी आ रही है, 26/25 एच क्रॉस स्क्वायर। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मोमेंटम ऑपरेटर गिवन है, द अनसर्टेनिटी डेल्टा पी आर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो अनसर्टेनिटी हमें बतानी है मोमेंटम ऑपरेटर में, और वो अनसर्टेनिटी को हम कैसे लिखते हैं कि पी आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस पी आर का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर और उसका क्या स्क्वायर रूट। तो पी आर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पी आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है,
और जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हमें गिवन है यहाँ पे, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, साई को भी अगर आप देखो ग्राउंड स्टेट के लिए हमें गिवन है, और ग्राउंड स्टेट के लिए ही अनसर्टेनिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ग्राउंड स्टेट के लिए ये वैल्यूज हमें निकालनी है। तो जो साई है वो अपना किस फॉर्म में है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। आपको ध्यान होगा ये जो वेव फंक्शन है अपना हाइड्रोजन एटम की, जो ग्राउंड स्टेट हमें गिवन है उसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालें मोमेंटम ऑपरेटर की, तो कैसे लिखेंगे, साई पी कैप आर साई, और साई ऑफ साई तो अपना क्या आएगा, वन, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि वेव फंक्शन अपना क्या है, रियल वेव फंक्शन है, तो आपको पता ही होगा, हमने बताया भी था कि रियल वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे निकालना हमें क्या है, सिर्फ मोमेंटम के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंटम के स्क्वायर का ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए, और वो क्या आएगा, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल आर प्लस वन अपॉन आर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या वैल्यू आती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर प्लस डेल अपॉन डेल आर इंटू में वन अपॉन आर। तो ये वैल्यू हमारी है। तो ये वैल्यू अलग अलग ऑपरेटर्स हम ऑपरेट करेंगे साई पे, तो पी आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, साई स्टार पी आर स्क्वायर ऑपरेटर साई डी टाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो डी टाउ हमारा क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो क्योंकि साई जो है वो अपना सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाले जो इंटीग्रल हमारे होंगे वो क्या वैल्यू देंगे, 4 पाई। तो 4 पाई अपना बाहर आएगा। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो भी अपना बाहर आ जाएगा, और साई स्टार साई में जो कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वो बाहर आएगा, तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, पाई ए नोट क्यूब। ठीक है, और क्योंकि आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल है तो आर की जो लिमिट होती है वो लाई करती है 0 to infinity। साई स्टार साई हम लिखेंगे, साई स्टार क्या है, ई रेज टू पावर माइनस आर इंटू ए नोट, पी आर स्क्वायर की फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करते हैं तो आर डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। तो ये जो टर्म है हमारी वो सिर्फ साई पे ऑपरेट होगी, इंटू में क्या होगा, आर स्क्वायर डी आर प्लस सेकेंड वाली टर्म हम लगाएंगे तो 0 to infinity ये जो कॉन्स्टेंट है वो अपने बाहर हैं, e रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट, वन अपॉन आर स्क्वायर तो क्या है वो ऑपरेट होगा, तो मल्टीप्लाई हो रही कॉन्स्टेंट की, वन अपॉन आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। तो r जो है ये फंक्शन ऑफ r है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्यूट करते हैं एक दूसरे से, तो हम e रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट को आगे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में क्या आएगा, आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट जो इंटीग्रल है वो हमारा क्या है, 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट, और ये ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे 1 upon r डेल अपॉन डेल आर e रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट इंटू आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल अपना क्या है, 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट इंटू में डेल अपॉन डेल आर वन अपॉन आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट, जो साई है, इंटू में क्या होगा, आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये इंटीग्रल्स हमें सोल्व करने हैं। तो पी आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 4 पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 4 h cross square डिवाइडेड बाई ए नोट क्यूब जो बाहर है, और ये इंटीग्रल हमारा क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर को हम इस पे ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेगा, तो ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट, और 2 बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट हमें मिलेगा, और कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन ए नोट का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी आर। ये इंटीग्रल अपना हो गया, प्लस
सेकेंड इंटीग्रल क्या है, 0 to ∞ e^-2r/a0 इंटू में डी आर, ठीक है। थर्ड इंटीग्रल क्या है, 0 to ∞। अब डेल ऑफ डेल आर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो e^-2r/a0 होगा और जो कॉन्स्टेंट आएगा वो क्या आएगा, -1/a0 और एक r अपना है r dr, ठीक है। प्लस फोर्थ इंटीग्रल अपना क्या है, अब इसको हम इस पे ऑपरेट करते हैं तो ये अपना दो में डिवाइड होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को अगर हम एज इट इज़ लें तो सेकेंड का क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो e^-2r/a0 और जो कॉन्स्टेंट टर्म हमारी आएगी 1/r तो है ही, कॉन्स्टेंट टर्म अपनी आएगी -1/a0 इंटू में आर स्क्वायर डी आर। तो ये r एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, तो r dr ये वाली टर्म यहाँ पे हमें मिल रही है। प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव हमने किया, अब जो सेकेंड फंक्शन है वो एज इट इज़ फर्स्ट का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो 0 to ∞ e^-2r/a0 और क्या आएगा, -1/r² इंटू आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये हमें क्या मिल रहा है, माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, ये वाला इंटीग्रल हमें मिल रहा है और ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इस टर्म को और इस टर्म को अगर आप देखो तो ये सेम है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 times लिख सकते हैं तो ये बचता है अपना अभी। तो पी आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, -4h^2/a0³। और इस इंटीग्रल को अगर हम सोल्व करें तो -1/a0² का हम कैसे लिखेंगे, 1/a0² और ये इंटीग्रल है हमारा 0 to ∞, ये क्या वैल्यू देगा, 2 factorial। r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे r की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस r को छोड़ के जो भी बचेगा 2/a0, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, प्लस 2 times। और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, -1/a0 तो कॉन्स्टेंट है, r की पावर कितनी है 1 factorial डिवाइडेड बाई 2/a0 की पावर कितनी होगी 2, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हमें क्या वैल्यू देता है, -4h^2a0³। और यहाँ पे a नोट स्क्वायर था, a नोट इस टर्म को अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो 2 divided by a0² अपना है a0³ ऊपर जाएगा, 2³ होगा कितना 8, माइनस साइन है यहाँ पे 2 और a0 है अपना और ये वाला टर्म ऊपर जाएगी तो a0² होगा और 2² क्या होगा 4, तो a0³ से ये कैंसिल होगा, a0 1 power बचेगी और यहाँ पे भी a0 की 1 power बचेगी, 2 कैंसिल होगा तो 4 आएगा, ये कैंसिल हुआ तो 2 आएगा। तो इनसाइड में क्या बच रहा है अपना, अगर a0 दोनों से हम कॉमन ले लें तो 1/4 - 1/2, ठीक है। और बाहर क्या है, -4h^2 डिवाइडेड बाई a0³, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, तो क्या बचता है हमारा यहाँ पे इनसाइड में क्या बच रहा है, -1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो h^2/a0² हमें क्या मिल रही है, पी आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी हमें फाइंड आउट करना है तो डेल्टा पी आर क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू h^2/a0² माइनस पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है 0 और उसका क्या होगा स्क्वायर रूट, तो क्या वैल्यू आएगी h^2/a0। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।